कि मैं सुबह से सोच रहा था यार कि ये ब्लॉग हम कब स्टार्ट करें कब स्टार्ट करें, लेकिन रील वीडियो बनाने के चक्कर में, कुछ दिमागी टेंशन के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाए। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई साहब, हम बताना चाहेंगे कि इस जगह पर मैं करीब 2 घंटे से बैठा था और यहाँ पर इतनी शांति थी कि जो मैं आप लोगों से बयां नहीं कर सकता, क्योंकि घर पर मैं काफ़ी देर बैठने के बाद में मेरे समझ में आया कि यहाँ से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उधर हल्ला गुहार चिल्ल बच्चे सब इतना ज़्यादा मतलब शोर करते हैं। बस उसी की वजह से हम वहाँ से यहाँ पर भाग के आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइडर रूपी 47 में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि मैं परसों रात में जो फ्यूल करवाया था अपनी बाइक में 1250 रुपये का, वो मैं 7 चक्कर बलरामपुर आया और गया, उसके बाद में हमारा फ्यूल खत्म हो चुका है। अब मुझे ये देखना है ये कि मैं कितना किलोमीटर 1250 रुपये के पेट्रोल में चला हूँ और हमारी बाइक जो है ये कितने की माइलेज अब दे रही है सही मायने में, क्योंकि हमारे बाइक में फ्यूल बचा नहीं है और मुझे यहाँ से ब्लैक में 1 लीटर लेना पड़ेगा, तब मैं जाकर कहीं पर जा पाऊँगा। और जुमा है आज, तो जुमा के बाद नमाज पढ़ने के बाद में इंशाल्लाह फिर जाएंगे आज हम शूट के लिए, क्योंकि आज भाई आराम कर रहे हैं और मैं आज करीब 15 दिन से कंटिन्यू बलरामपुर चल रहा था। बहुत ज़्यादा थकावट है, इतना मैं थक चुका हूँ कि मेरे हाथ पैर और पीठ इतना दर्द कर रहा है कि मेरा दर्द सिर्फ मेरा अल्लाह समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि मेहनत मैं इतना करता हूँ कि शायद हमारे जैसा कोई मेहनत कर सके, लेकिन दुनिया में एक से एक है मेहनत करने वाले, क्योंकि मैं काम से पीछे नहीं भागता हूँ। काम हमसे है, हम काम से नहीं है, कोई भी काम पड़े मैं काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो चलकर वहाँ पर हम देखते हैं कि कितना हम चले हैं कितना नहीं चले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि फ्यूल करवाने के बाद में कितने किलोमीटर से मैं चला था, उसके बाद में उसको हम जोड़ेंगे भाग करेंगे कि हाँ मतलब इतना किलोमीटर हमने चला है। तो 714 किलोमीटर पर मैंने चला था और उसके बाद में अब तक के मैं कितना चला हूँ कितना नहीं चला हूँ वो चीज़ मुझे बताना है। और चल रहे हैं, 12 बज चुका है, जुमा का टाइम हो चुका है, तो नहा धो लिए हैं सुबह सुबह हम, जानते हैं क्योंकि मेरा नहाना धोना जो होता है वो सुबह होता है और शाम में या दोपहर में मैं बहुत कभी नहाता हूँ। और जहाँ पर हम बैठे थे उस जगह का व्यू दिखा दिया आप लोगों को, बाकी ये हमारे गांव का खेत खलिहान सब है, ये देख सकते हैं हमारे पीछे, ये बाकी हमारे गांव की मस्जिद देख सकते हैं आप, ये खेत खलिहान है, ये गांव है। और इस जगह पर मैं बैठा था, देखिए कितनी यूनिक जगह है, कितना ज़बरदस्त का जगह है, ये देखिए है ना। तो चलते हैं घर पर और उसके बाद में हम देखते हैं कि हाँ कितने पर जाकर फ्यूल हमारा ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैं सुबह से सोच रहा था यार कि ये ब्लॉग हम कब स्टार्ट करें, लेकिन रील वीडियो बनाने के चक्कर में, कुछ दिमागी टेंशन के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाए। तो अब जाके थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ है और उसके बाद में फिर तो चल रहे हैं घर की तरफ और देखते हैं चाबी ऑन करके कि हाँ मतलब कितना किलोमीटर चले हैं और कितना नहीं चले हैं, कितने का माइलेज दिया है हमारी बाइक ने 1250 रुपये के पेट्रोल में, 1250 में समझ लीजिए 12.5 लीटर तेल या 13 लीटर पकड़ लीजिए उसको, 97.5 रुपया पेट्रोल है और 100 रुपये पकड़ के चलते हैं यानी 1250 और वही मान लीजिए 250-300 ग्राम बढ़ गया होगा, वही 13 लीटर हम पकड़ लेते हैं। तो ये है हमारा घर, आप देख सकते हैं और उसके बाद में देखते हैं बाइक में क्या है। हाँ तो भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 219 यानी 700 कुछ किलोमीटर पर हम स्टार्ट किए थे, उसके बाद में 219। अब इसको हम माइनस करके बताते हैं कि कितना किलोमीटर हम
बाइक हमारी जो है वो 3.25 साल पुरानी हो चुकी है, यानी 27 जुलाई जब आएगा तो ये 3 साल कंप्लीट हो जाएगा हमारे बाइक का। और माइलेज की बात हम जो करेंगी तो माइलेज इसका है 50,714 किलोमीटर पर मैंने शुरू किया था, और उसके बाद में हमारा फ्यूल ख़त्म हुआ है 51,219 यानी 505 किलोमीटर 13 लीटर में मैंने चला है। अब आप लोग जोड़ कर बताइए कि मतलब हमारी जो बाइक है ही उसका माइलेज कितने का था, यानी 13 लीटर में हम कितना का माइलेज मिला है, जो मतलब 13 लीटर में कितने का माइलेज मिला है ये जोड़ कर आप लोग बताइए कि हाँ मतलब माइलेज इसका ठीक है कि नहीं ठीक है। या जो लोग कहते हैं कि मतलब 30 का 35 का देता है क्या होता है, वो सारा चीज़ आप बताइए। तो चलिए अभी हम जोड़ते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं, क्योंकि उससे पहले आज हम नाश्ता नहीं किए हैं, तो नाश्ता करके खाना पानी खा लें उसके बाद में फिर बात करते हैं। खाना खाए के बाद में यहाँ निकले हैं गाँव में, यहाँ थोड़ा डॉक्टर साहब के पास काम रहा, दवा ले रहा, तो दवा लेके हम सीधे चले थे घरे, और हमारे गाँव के थोड़ा सा व्यू जो है तुम देख लियो, हमारे गांव के कोटेदार तीनों पाल लगा के निकल चुके हैं भैया। बाकी हमारे गांव हुए, जुमा के टाइम हो चुका है और ट्रीट है, जुमा पढ़ेंगे कल्लू बाबू के दुकान। बाकी यहाँ देख सकते हो सब लोग बैठा है। केहन बनाए ली यार, का बोले कोटेदारों ले लिया हम। बाकी गांव के भैया देख लियो, सब देख लियो, हाँ देख लियो। और बेटा क्या हाल है? ठीक है, पूछ बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, मैंने हम तार बप्पा हुए कि तुम्हारे बप्पा हुए? हम तार बप्पा हुए। अच्छा, नहीं हम हुई तो हैं। जेका जूता चप्पल सियाओ तो यहाँ चलाओ जुमक डी। हम कहें देख लियो बढ़िया से गांव, आज जुमा है। तो सब लोग तैयार हो के नहाए धोए के भैया चलो थे मस्जिद की तरफ, और हम घरे दवाई दे दी, दवाई देख बाद में वजू कर ली, और घरे 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद में फिर निकली हम। बाकी आज हम गांव के पूरा व्यू आप लोगों के यहाँ दिखाई दिया हूँ, लड़के हमारे पीछे खड़ा है और पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खैर कोनो बात नहीं है। तो आप लोग भाई कमेंटवा करके बताए ना यार कि वहाँ मैंने कितना के ओरेज डी सी मार कर लिया, ओरेजवा तो हमें लागत है कि 13 54 ए भैया 505 किलोमीटर चलिया हम, ठीक है, और 40 के ओरेज नाइट डी सी 13 54 505 किलोमीटर वह करीब 38 के ही ओवरेज डी सी का, ठीक है कोनो बढ़िया ना है, कहाँ 70-80 के स्पीड में जाए थे तो वहाँ ओवरेज थोड़ी मिल सकता है, ओवरेज नहीं मिली, बढ़िया है वह स्पीड अगर नॉर्मल हो 60-65 तो ओवरेज बढ़िया मिल जाते। बाकी आप देख सकते हमारे सब लोग अम्मार बाबू अब अब्बे जुमा पढ़ के जब आई थे तो आज चली रहे हम वीडियो शूट करें, ऐसे कई दिन हो गए ना ये रहे काम के आगे बाझा रहे, तब तक हम यहाँ मोबाइल लगाई दी और मोबाइल हमारा चार्ज हुए, वगैरह बाद में यहाँ जुमा पढ़ के अबे तो मोबाइल हमारा चार्ज नहीं। तो चलिए भाई साहब चलते हैं, ठीक है अभी आएंगे नमाज पढ़ने के बाद में, तो उसके बाद में मुलाकात करेंगे हम। माशाल्लाह नमाज पढ़कर आ चुके हैं हम, और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जितने भी मोमिन मुसलमान भाई हैं सब लोग को हिदायत अता कर दे कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और सबको रोज़ा नमाज कुरान की तिलावत और तरावी के साथ पाबंद कर दे। या अल्लाह ये दुआ हमारी कबूल कर ले और सभी मोमिन मोमिनात को या अल्लाह पाबंद कर दे। तो चलते हैं भाई साहब,
अब सिसवा वीडियो शूट करने के लिए, और उससे पहले हम वीडियो अपलोड करते हैं कल वाली, फिर निकले यहाँ से। जुमा के बाद में सीधे मैं पहुँचा था सिसवा, और सिसवा अपना वीडियो शूट किया कॉमेडी वाला। आज कई दिन के बाद में यहाँ पर आया हूँ, यानी मेरा जिस दिन ख़त्म हुआ था उस दिन आए थे, उसके बाद में फिर आज पहुँचा हूँ। तो थोड़ा सा हम बैक कैमरे से मेले का थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं कि किस तरह से है। पिछले साल की तरह इस साल भी मतलब पूरा वैसे पड़ा हुआ है, नहीं सोचते हैं कि मतलब इसको सफवा दे या कुछ कर दे। खैर कोई बात नहीं इसका, बाकी बैक कैमरे से थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का। ये देखिए गुड्डू भाई का होटल अभी भी वैसे भरा हुआ है एकदम से। और बाकी इधर आप देख सकते हैं हजरत जवाहर शाह बाबा का मज़ार है, पूरा मैदान एकदम से खाली है। फिर एक साल के बाद में यहाँ पर सब भरा भरा देखने को मिलेगा। जो रहेगा इंशाल्लाह वो ज़रूर देखेगा, जो नहीं रहेगा उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। बाकी जो था आज के वीडियो में हमने आप सबको दिखाया। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो भाई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही सब था आज जो हमने बता दिया, दिखा दिया बाइक के बारे में, और जो कुछ जानकारी थी वो जानकारी दे दिया, गांव अपना दिखा दिया। निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि घर से फ़ोन आया था, कुछ ले जाना है साग सब्जी वगैरह। बाकी सब बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान दो दिन बाद शुरू होने वाला है भाई, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान बहुत अच्छे से हम लोगों का निकाल दे। मैं रोज़ा के साथ, तरावी के साथ, नमाज के साथ और कुरान की तिलावत के साथ अल्लाह ताला सबको अता करें ये चीज़। बाय।